गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं करण कुमार और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल करण पेट्स एंड फार्म। व्यूअर्स, अगर आप फिंच का सेटअप बनाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप फिंच परचेज करिए, उन्हें एक केज में रखिए, उन्हें मल्टीविटामिन का कोर्स कराइए, कैल्शियम दीजिए, फीड अच्छा दीजिए। मल्टीविटामिन में आप वाइमरल दे सकते हैं, कैल्शियम आप ऑक्सोवेट दे सकते हैं, फीड में आप इन्हें कंगनी दाना, ब्लैक सीड, धान दीजिए। ब्लैक सीड आप ठंडी में ही दीजिए, गर्मी में ना दीजिए। आप इन्हें एग फूड दीजिए, एग फूड आप अगर गर्मी है तो सप्ताह में 2 दिन, अगर ठंडी है तो आप सप्ताह में 3 दिन दे सकते हैं। एग फूड बनाने का तरीका है, आप एग को बॉईल कर लीजिए, उसे आप ब्रेड के साथ स्मैश करके डाल दीजिए या चावल के साथ आप दे सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ। अगर आप फिंच की कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो आप फीमेल ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आप सेपरेट ब्रीडिंग लेना चाहते हैं सेपरेट केज में तो आप जितना मेल लीजिए उतना ही फीमेल लीजिए। मेल फीमेल आप इसमें इजी तरीके से पहचान सकते हैं। ये जैसे जिसकी ये जो चोच है रेडिश रहेगी वो मेल है, और जिसके ऑरेंज रहेगी वो फीमेल है। अगर आप कॉलोनी में ब्रीड लेना चाहते हैं तो आप फीमेल ज़्यादा ही परचेज करिए, क्योंकि एक मेल दो फीमेल के साथ भी बहुत बार देखा गया है कि एक मेल दो फीमेल के साथ पेयरिंग कर लेता है। तो व्यूअर्स, मैं भी अपने लिए फिंच लाया हूँ, मैं 6 पेयर परचेस किया हूँ, और ये एक पेयर मैं जावा परचेस किया हूँ। जावा के ये चिक्स है, अब एडल्ट नहीं हुआ, ये 4 महीने लगे एडल्ट होने में इसको, और ये फिंच सब सेमी एडल्ट है, अब एडल्ट हो चुके हैं। तो मैं इनसे कॉलोनी ब्रीड लूँगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने रिलीज़ कर रहा हूँ कॉलोनी में। इनसे ब्रीड भी लूँगा, वो भी आपके साथ अपडेट रहूँगा, कितने चिक्स निकाले, कितने एग ले किए। तो व्यूअर्स, मैं इन्हें इस केज में रखूँगा, ये 3 फीट लंबाई, 2 फीट गहराई और 2 फीट हाइट है इस केज की। मैं इन्हें इसमें कॉलोनी बना के रखूँगा। तो व्यूअर्स, मैंने सारे बर्ड्स को रिलीज़ कर दिया है। रिलीज़ करते हैं, ये लोग पेयरिंग करने लगे, मेटिंग भी करने लगे। अब मैं इन्हें 1 सप्ताह बाद नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड करूँगा। अभी इनको नेस्ट बॉक्स नहीं दूँगा, क्योंकि अभी ये और अच्छे से इस केज में, ये जो मैं छोटा सा कॉलोनी बना रहा हूँ उसमें ये सेट हो जाए, उसके बाद मैं इन्हें नेस्ट बॉक्स प्रोवाइड कर दूँगा। 1 सप्ताह बाद मैं कर दूँगा, उसकी भी अपडेट आपको मिल जाएगी।